कंगना रनौत ने ऋतिक को फिर किया टारगेट। कंगना ने अपने फिल्म तेजस को बताया इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म। कंगना ने ऋतिक रोशन की फाइटर पर लिया स्ले डे। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म तेजस की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। ये फिल्म 20 अक्टूबर को दशहरा पर रिलीज होगी और खबर है कि अनाउंसमेंट करते हुए कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट शेयर किया। इसके साथ ही कंगना ने कुछ पिक्चर्स भी शेयर की जिसमें वो एयरफोर्स पायलट के लुक में दिखाई दे रही हैं। लेकिन कंगना के पोस्ट के वायरल होते ही जिस एक बात को नेटिजंस ने नोटिस किया वो था कंगना का अपनी फिल्म तेजस के प्रमोशन के लिए यूज किया गया कैप्शन। दरअसल कंगना की तेजस सेंटर्स अराउंड एन एयरफोर्स ऑफिसर तेजस गिल हु लीड्स अ वेलियंट आर्मी ऑफ सोल्जर्स टू डिफेंड देयर कंट्री और इस फिल्म में कंगना टिट्यूलर कैरेक्टर में है। ऐसे में फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करते हुए कंगना ने फिल्म से अपने एक्शन अवतार की भी एक झलक शेयर की जिसके साथ उन्होंने क्रिप्टिक कैप्शन में अपनी फिल्म को इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म बताया, राइटिंग इंडियाज फर्स्ट एरियल एक्शन मूवीज हियर। और बस कंगना के ऐसा पोस्ट करते ही नेटिजंस ने अज्यूम कर लिया कि उन्होंने ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर पर निशाना साधा है, क्योंकि इंटरेस्टिंगली ऋतिक की फाइटर इज आल्सो द फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी इन बॉलीवुड। पर अब कंगना ने भी अपनी फिल्म को लेकर यही क्लेम किया है और सेम पंच लाइन के साथ तेजस के प्रमोशन की शुरुआत की जो ऋतिक की फिल्म के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। वैसे एक बात और आपको बता दें कि कंगना की तेजस इस साल रिलीज हो रही है जबकि फाइटर विल रिलीज ऑन जनवरी 25th 2024। और जो बात कंगना भी अब अच्छी तरह जानती हैं, बता दें ऋतिक रोशन की फाइटर में दीपिका पादुकोण अनिल कपूर के साथ एक एंसेंबल कास्ट नजर आएगी और जिसका डायरेक्शन फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद ने किया है। वही कंगना की मच अवेटेड तेजस को सर्वेश मेवारा ने डायरेक्ट किया है एंड बोथ आर टाउटेड टू बी एरियल एक्शन मूवीज। ऐसे में क्या फिर भी कंगना का अपनी फिल्म को देश की पहली एरियल एक्शन फिल्म कहना सही होगा या ऐसा करके वो सिर्फ ऋतिक से पंगा लेना चाहती हैं?